अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट कोर्स स्कोर का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर। मास्टर के अंदर आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट, मास्टर आइटम प्रोफाइल, लोकेशन और फोन बुक। सबसे पहले ग्रुपिंग को देखते हैं जो कि अकाउंट्स के लिए जरूरी है। ग्रुपिंग्स को हमने ओपन किया, यहाँ पे फुल व्यू किया, यानी कि जो ऑलरेडी ग्रुपिंग बनी है वो हमें फुल व्यू करके नजर आ जाएगी। यहाँ पर कैश बुक यानी कि डेली का जो रोजनामचा होगा वो हमारा रोकड़ जिसको हम कहते हैं वो 01 में बनाएगा, और बैंक हमारे जितने भी होंगे वो भी 01 के ग्रुप में बनेंगे। सप्लायर पेएबल्स, ऐसी पार्टीज जिनसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं और बाद में उनको पेमेंट करते हैं, वो हमारे सप्लायर होंगे और वो हमारे पेएबल होंगे, वो 31 के अंदर बनेंगे। रिसीवेबल्स यानी कि हमारे कस्टमर्स जितने भी हैं वो हमारे सारे बनेंगे 35 के अंदर। इसके अलावा कोई एडवांस अगर लेता है सैलरी 36 में बन जाएगा, कोई फार्मिंग के हेड बनाने हैं 37 में बन जाएंगे, परचेज और सेल का हेड ऑलरेडी बने हुए होंगे। उसके अलावा कोर्स फॉर की इनकम का हेड है और एक्सपेंसेस 98 में है और स्टाफ सैलरी 99 में। इसी ग्रुपिंग को देखते हुए हम मास्टर के अंदर मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर अगर हम फुल व्यू करते हैं तो जो जरूरी हेड थे वो ऑलरेडी हमने देखा यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे कि कैश बुक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक ओपनिंग का हेड भी होता है जो कि 01022 के ऊपर बना होता है, 01022 के ऊपर, उसे हम ओपनिंग का हेड कहते हैं। ठीक हो गया, और इसको मैंने यहाँ पर बना दिया एक सेव, क्योंकि ये हमारे पास बना नहीं हुआ था तो ये ओपनिंग का हेड आ गया। उसके बाद हमारे पास बैंक बना है, 31 हमारा पेएबल था यानी कि हमारे ये सप्लायर्स हैं, अल शफी हो गया, ये एक सप्लायर बना हुआ है। इसके अलावा 35 में हमारे रिसीवेबल्स कस्टमर शुरू हो गए। ये ग्रुपिंग का कोड है, ये पार्टी कोड है, पहली पार्टी है तो 001, दूसरी होगी तो 002, तीसरी होगी तो 003, सो ये पार्टी जैसे चलती जाएंगी। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो हमारे पास ये 98 में एक्सपेंसेस आ गए हैं। इसके अलावा सेल और परचेज का हेड ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेड सेल का भी हेड बना हुआ है और हमारे पास सेल का भी हेड बना हुआ है। हम आएंगे यहाँ पे सबसे पहले पार्टी बनाने के लिए, हमने ऐड किया तो पेएबल पार्टी हमारी बनती है 31 के अंदर, तो 31001 पे अब अगर मैं एंटर करूँगा वो कहेगा कि मेरे पास ऑलरेडी पार्टी बनी हुई है, तो हम यहाँ से ऐड करेंगे। हमने कहा 31002, टू कोड खाली था, इंटर किया, नीचे आ गए नेम में। इसके बाद हमने यहाँ पर पार्टी का नेम बताना है, हमने यहाँ पर हुसैन नेम दे दिया और हमने इसको इंटर किया, एड्रेस दे दिया कहाँ का है और उसका फ़ोन नंबर क्या है, और वही नंबर हम व्हाट्सएप के लिए नीचे भी दे देंगे और उसके बाद उसको सेव करवा देंगे। अब ओपनिंग बैलेंस भी हम बता सकते हैं कि लेने वाला है या देने वाला है, अगर लेने वाले हैं तो डेबिट है, अगर देने वाले हैं तो क्रेडिट। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमने 1 लाख इनका देना है और ये मैंने इसको सेव कर दिया। इसी तरीके से 35 हमारे कस्टमर्स हैं, उसके अंदर हम 001 पे अगर ऐड करेंगे तो उसने कहा कि आपके पास ऑलरेडी 85 कस्टमर्स यहाँ पर ऐड हैं, तो हमने 35086 हमने ऐड किया और यहाँ पर हमने एक अली के नेम पे कस्टमर बना दिया। ये वो कस्टमर्स हैं जिनसे हमने पैसे वगैरह लेने हैं और यहाँ पर हम उनके पैसे लिख देंगे हमने कितने लेने हैं। इसी तरीके से अगर कोई नया कस्टमर भी आएगा जिसकी हमने स्टोर के अंदर इन्वर्ट करनी है, स्टोर उनकी चीज़ें रखनी है, हम पहले उस कस्टमर को यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे ही 35086 तक बने 87 कर देंगे। हमने यहाँ पर जमील का नेम रख दिया, उसका एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, पूरी डिटेल आएगी और उसके बाद उसको इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। तो जो पार्टीज हमने अभी बनाई हैं उनको हम देखने के लिए हमने रिटर्न बैक किया, हम वापस आए फाइनेंशियल रिपोर्ट में, लेजर में जाएंगे, इंटर इंटर इंटर। यहाँ पर अब हमने हुसैन लिखा तो ये मेरे पास हुसैन आ गया, इंटर किया, उसका मैंने लेजर खोला तो ये उसका लेजर आ गया 1 लाख क्रेडिट का। इसी तरीके से अगर मैं कस्टमर का लेजर देखना चाहता हूँ तब भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर, और यहाँ पर अली, अली का मैंने नेम लिखा, ये अली आ गया हमारे पास यहाँ पर सर्च में, हमने इंटर किया, इंटर किया और उसका लेजर हमारे सामने आ गया 50,000 डेबिट का लेने वाला। यहाँ पर अगर हमने कैश लेना है किसी भी पार्टी से तो ऐड रिकॉर्ड में हम आएंगे कैश रिसिप्ट वाउचर पे, यहाँ से हम कैश लेंगे और पेमेंट वाउचर से हम कैश देंगे।
बैंक के लिए हम DRCR वाउचर यूज करेंगे। हम पहले जाते हैं कैश रिसिप्ट वाउचर में। हमने यहाँ पर डेट दी, टाइप और वाउचर खुद ही बनेगा, इंटर किया, पार्टी का नेम देना है जो उस पार्टी से हम पैसे ले रहे हैं। हमने यहाँ पर अली लिया, उसने साथ ही अली का बैलेंस दिखा दिया कितना लेने वाला है। हमने अली से 30,000 ले लिया है। कैसे लिया है? कैश लिया है, बाय हैंड या जिस तरह भी। और यहाँ पर इंटर किया, सेफ पे आ गए, फिर से इंटर किया, रिकॉर्ड सेव हो गया। इसका हम वाउचर भी प्रिंट कर सकते हैं, रिटर्न बैक करके हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर भी देख सकते हैं। हमने अली का लेजर खोला तो यहाँ पर अली का लेजर आ गया कि 50,000 लेना था, हमने 30,000 रिसीव कर लिया, क्रेडिट हो गया उसकी साइड से, तो 20,000 रह गया उसकी तरफ से लेने वाला। यही जो 30,000 हमने लिया है वो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक में यानी हमारे रोकड़ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर कैश बुक को जब ओपन किया तो इसने दिखाया जी हमारे पास 42,29,000 समथिंग अमाउंट पहले से पड़ी हुई थी बिफोर बैलेंस, क्योंकि ये लर्निंग का प्रोग्राम है, इसके अंदर पहले से डाटा ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर हमने जो अली से पैसे लिए हैं 30,000, वो भी इसी के अंदर ऐड हो गए हैं। तो 42,29,000 थे, उसमें आज के दिन में रिसीविंग 30,000 हुई है, तो बैलेंस हो गया 42,59,000 ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। तो ये बैलेंस हमारे पास इन हैंड खड़ा है। इसके बाद हम आते हैं कैश के थ्रू पेमेंट पे। अगर हम कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं तो ऐड रिकॉर्ड में कैश पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। जो भी हमारा सप्लायर होगा हम उस सप्लायर का नेम देंगे, जैसे हुसैन हमने बनाया है। हमने हुसैन को यहाँ पर सर्च किया तो ये बैलेंस आ गया हुसैन का 1,00,000 के माइनस में। हमने इसको 50,000 कैश दे दिया। जब हमने पेमेंट वाउचर सेव किया कैश का, तो हमारे रोकड़ में से यहाँ से कैश बुक में से 50,000 क्रेडिट हो गए। आज की पेमेंट 50,000 निकल गई, जहाँ पर हमारे पास पहले 42,29,000 था, अब वहां पर हमारे पास ये हो गया है 42,09,000, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बैलेंस इतना रिमेनिंग रह गया उसका। इसी तरीके से हम आएंगे जब बैंक के लिए, तो हम पहले मास्टर में टाइटल ऑफ अकाउंट में आएंगे, ऐड करेंगे। 01 की ग्रुपिंग थी बे कैश और बैंक की, हमने उसमें 001 के ऊपर एक बैंक बना देना है। जैसे अगर अल हबीब बैंक है, हमने यहाँ पर अल हबीब बैंक लिखा और उसकी सारी डिटेल लिखेंगे। और जो बैंक में कैश हमारा डिपॉजिट होगा वो हम डेबिट में लिखेंगे। हमने 5,00,000 डेबिट किया और इंटर इंटर करके सेव करवा दिया। अब अगर बैंक से हम पेमेंट करते हैं तो हम DRCR वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे DR कोड में आके, यानी डेबिट जिसको दे रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर ऊपर बताएंगे। जैसे कि हुसैन को हम दे रहे हैं, हमने हुसैन को सर्च किया, 50,000 हुसैन का रह गया देने वाला। और क्रेडिट हमने कहाँ से करना है? अल हबीब से। तो मैंने ALHA लिखा तो अल हबीब बैंक आ गया, बैंक में पड़ा है 5,00,000। हमने कहा जी 50,000 इसको पूरा ही दे दें, और हमने इसको क्या करवा दी है ऑनलाइन टू हुसैन। और उसके बाद हम यहाँ पर उसका जो भी रेफरेंस नंबर होगा उसका ऑनलाइन का वो लिखेंगे और सेव कर देंगे। और जब हमने लेजर देखा यहाँ पे हुसैन का, तो ये हमारे पास लेजर आया कि 50,000 हमने कैश दे दिया था, 50,000 हमने अल हबीब बैंक से दे दिया, उसका बैलेंस हो गया 0। 1,00,000 देना था, 1,00,000 कंप्लीट हो गया, बैलेंस नील हो गया। और यही बैलेंस जो दूसरा 50,000 है वो कैश बुक से नहीं गया, क्योंकि हमने कैश बुक से सिर्फ 50,000 की पेमेंट की है। वो 50,000 कैश से गया है, दूसरा 50,000 किसके लेजर में से गया था? अल हबीब बैंक के। तो हम बैंक का लेजर देखेंगे, 5,00,000 पड़ा था, 50 दे दिया, 4,50,000 हमारा बैंक में रह गया। तो इस तरीके से अगर हमें कैश में बैंक के अंदर पेमेंट आती है तो हम उसकी एंट्री भी DRCR वाउचर से डालेंगे। तब हम बैंक देंगे डेबिट के अंदर, यानी कि हम डिपॉजिट बैंक को करेंगे, और क्रेडिट करेंगे कस्टमर को, कोई भी कस्टमर जिससे लेना होगा बैलेंस उससे लेके यहाँ पर बैलेंस देंगे और उसको सेव करवा देंगे, वो बैंक में डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं मास्टर टाइटल के बाद मास्टर आइटम के ऊपर। आइटम में आए, हमने यहाँ पर फुल व्यू किया तो हमारे पास ये डिफरेंट आइटम्स बनी हुई हैं, जो कि हमारे पास जैसे वाइट राशन है, रेड सीड है, वाइट सीड है, ये क्या नाम है, डिफरेंट हमारे पास आइटम्स बनी हुई हैं। लास्ट हमारे पास ये आइटम बनी हुई है, ठीक है। इन दोनों आइटम्स को हम खत्म कर देते हैं, 16 तक हमारे पास ऑलमोस्ट आइटम्स बनी हुई हैं। तो हमने यहाँ से रीइंडेक्सिंग की, मास्टर में वापस आए आइटम के अंदर, और हमने यहाँ पर ऐड किया।
तो स्टार्टिंग कोड हमारा होगा यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 17 हम देते हैं कोड अभी, ठीक है। और हमने यहाँ पर स्टार्टिंग कोड हम इसका देंगे 12,000 से आगे, तो हम ऐड करेंगे, हमने यहाँ पर दिया 12,000,01, ठीक है। 3 टाइम 0 लिख के 1 लिखा, हमने आइटम का नेम देना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे वीट लिखता हूँ, वीट लिखा मैंने, और या पोटैटो, जो भी हमारी वो आइटम होगी जो स्टोर होनी है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसका यूनिट क्या है, बैग है, और फिलिंग क्या है बैग की, हमने कहा जी ये है फुल, यानी कि फिल वेट उसका कितना है पर बैग का, 50 kg का है। और कितने में हम बैग रखेंगे, हमने कहा जी हम 1300 में बैग रखेंगे। सेल वैसे हम रखते थे ग्रेड 1400 का, कि 1400 में हम सेल करेंगे। रीऑर्डर होता है डिमांड लेवल के कितने होने चाहिए, और डेट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी उसकी एक्सपायरी की, तो हम यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट को रैंडम डाल देते हैं। इसको हमने सेव कर दिया, वीट हमारे पास आइटम यहाँ पे बन गई है। अब इसको रखने के लिए हमारे पास लोकेशन होनी चाहिए, तो मास्टर लोकेशन में जाएंगे, यहाँ पर हम रूम का नेम बताएंगे कि कौन सी लोकेशन है और उसकी कितनी कैपेसिटी है। अगर देखना चाहते हैं पहले क्या रूम्स बने हुए हैं, फुल व्यू किया तो हमारे पास ये रूम्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि रूम 2 है, उसके राइट में 99F से 100P, ये डिफरेंट उनके नंबर्स लगे होते हैं। इस तरीके से हम वहाँ पे रूम बना लेंगे, ये हमारे पास काफ़ी रूम बने हैं, तो नया रूम बनाना है तो हम यहाँ पर नया रूम बना लेंगे। जैसे रूम 7 R 100 में इस देता हूँ उसके साथ। कैपेसिटी मैंने कहा यहाँ पर है हमारे पास 100 बैग की, और इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद रिटर्न किया, अब हम आएंगे मास्टर लोकेशन के बाद ऐड रिकॉर्ड में। इनवर्ड रजिस्टर का मतलब है कि हम ले रहे हैं स्टॉक, और निकासी का मतलब है कि हम आउटवर्ड यानी कि दे रहे हैं वापस। पहले हम इनवर्ड में आएंगे, अगर पोटैटो इनवर्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाला मॉड्यूल यूज करेंगे, अगर कोई वेजिटेबल इन्वर्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला मॉड्यूल। इसी तरीके से निकासी के टाइम पे भी पोटैटो के लिए अलग है, फ्रूट के लिए अलग है, और पोटैटो का ही विद GST इनवॉइस अलग है। हम यहाँ पर इन्वर्ट में आए, हमने पोटैटो इन्वर्ट किया, इंटर किया, गेट पास नंबर आएगा, इंटर किया। अब किस पार्टी से हम ले रहे हैं वो पार्टी का नेम बताएंगे। जैसे मैंने जमील एक न्यू पार्टी बनाई थी, मैंने यहाँ पर जमील लिया, इंटर किया, इंटर किया। उसने पूछा क्या मार्का है, यहाँ पर यूनिक मार्का नंबर्स होते हैं, उसी के ऊपर हमारा पूरी स्टॉक मेंटेन होता है। हमने यहाँ पर कहा कि 11 22 3, इस तरीके से हमने एक नंबर रैंडम मार्का नंबर रख दिया। और उसके बाद उसने पूछा आइटम कौन सी, मैंने यहाँ पर बताया वीट, तो यहाँ पर डिफरेंट ये वीट्स बनी हुई थी, वीट राशन, वीट सीट, वाइट राशन और वाइट सीट था, इसी के अंदर हमारा वीट भी आ गया। टोटल कितने बैग आए हैं, हमने कहा जी ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पर 200 बैग आए हैं, तो ये हमारे पास 200 बैग आ गए। लोकेशन कहाँ पे रखना है, हमने कहा ये रूम 7 जो हमने बनाया था वो आ गया, और उसके अंदर 7वां रूम है हमारा, जो भी था वो लोकेशन वाइज हम बता देंगे। और इसमें हमने 100 बैग रखे हैं जो कि 50 की फिलिंग पे हैं, 5,000 उसका वेट हो गया। एक लोकेशन ये होगी, और दूसरी लोकेशन, एक क्योंकि हमने 100 बैग तो बता दिए हैं, दूसरी लोकेशन अब हम दूसरे 100 बैग की बताएंगे। हमने एक और रैंडम कोई रूम लिया, और यहाँ से हमने ये रूम 4 R 9P वाला ले लिया, और इसके भी हमने फोर्थ रूम में हमने बाकी जो बैग थे 100 वो रखवा दिए, और इसको सेव कर दिया। जब दोनों बैग 100 100 क्वांटिटी होगी तो ये 0 हो गया हमारे पास। अब हम इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, ये हमारी इन्वर्ट की स्लिप बन गई जो कि इस मार्का नंबर पे है, ये पार रूम है, और ये उसका हमारे जिस जिस लोकेशन में वो गए हैं, टोटल बैग कितने, पूरी डिटेल आ गई। पार्टी नेम था जमीर। उसके बाद जब हम इसी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि ये जो भी इन्वर्ट आया था वो कहाँ पर है और क्या उसका स्टॉक है, तो हमारे पास स्टोर रिपोर्ट है। स्टोर रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर लेजर है, आप लेजर भी खोल के देख सकते हैं पार्टी का, और उसके अलावा हमारे पास ये देखें पूरी यहाँ पर डिटेल आ रही है कि उस पार्टी की कौन सी आइटम है, कितने बैग हैं, कितना उसका वेट है वगैरह वगैरह, वो सारी यहाँ पे डिटेल आ रही है। और स्टोर के अंदर ही हमारे पास सिंगल मार्का वाइज भी है, कस्टमर लेजर लाइक मार्का भी है, लोकेशन वाइज है, कस्टमर ऑल लेजर है, ये डेली इनवर्ड वाइज रिपोर्ट्स हैं, जो उनसी मर्जी रिपोर्ट देखें। हम सिंगल मार्का में आए,
11123 मार का नंबर दिया, यहाँ पर सर्च करके हम उठा लेते हैं 11122, और इसमें हमने सर्च के अंदर 22, ये हमारा मार्का आ गया। इसको हमने जब यहाँ पर उठाया तो इसने हमें बता दिया कि इस मार्का नंबर के ऊपर ये पार्टी है जिसके ये इस रूम में बैग 100 पड़े हैं और इस रूम में बैग 100 पड़े हैं, टोटल 200 बैग। उसके बाद इसी तरीके से अगर कस्टमर लेजर लाइक मार्का देखना चाहते हैं तब भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने जमील का लेजर खोला तो उसने हमें यहाँ पर उसका मार्का नंबर के साथ दिखा दिया कि ये पार्टी है, ये उसका मार्का है, टोटल उसका 200 बैग है पड़ा हुआ। और इसी तरीके से हमारे पास डेली की इनवर्ड की रिपोर्ट भी आती है। आप जिस दिन की भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप वो डेट देंगे, इंटर करेंगे, आपके पास यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि इस डेट में ये हमारी पार्टी थी जिसके इस मार्का नंबर पे इतने बैग इनवर्ड हुए हैं, टोटल इतना वेट हुआ, ये लोकेशन जानेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास स्टोर के अंदर पूरी यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं। ऑल मार्का रिपोर्ट्स में हमारे पास सब डिटेल आ जाएगी, कौन कौन से मार्कर्स हैं और उनमें कौन कौन सी पार्टी का कितना कितना हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। अभी मार्का नंबर आ रहे हैं 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, और ये सारी डिटेल्स आ रही। इसी के अंदर ये हमारा मार्का भी जो हमने बनाया था 11123, ये आ गया कि इस पार्टी के 200 बैग पड़े हुए हैं। उसके बाद मजीद इसके अंदर हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट आ जाती हैं, जो हमारी सारी यहाँ पर रूम वाइज लेजर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इन्हीं में से हम कुछ की निकासी करते हैं तो हम निकासी यहाँ से करेंगे पेटो आउटवर्ड से। यहाँ से हम जब उसको निकालेंगे, ये सिंपल आउटवर्ड है, और अगर हम उसको जीएसटी के थ्रू करना चाहते हैं आउटवर्ड तो हम निकासी पोटैटो आउटवर्ड विद जीएसटी इनवॉइस करेंगे। यहाँ पर हम आए, हमने यहाँ के बताया गेट पास नंबर, हमने बताया पार्टी का नेम। उसके बाद जब यहाँ पर जैसे पार्टी सिलेक्ट हुई उसने दिखाया जी टोटल हमारे पास जो इनवर्ट थी वो 200 बैग की थी। तो हमने यहाँ पर बताया मार्का क्या था, हमने इंटर किया, ये उसका मार्का ऑटोमेटिकली उठाएगा वो, क्योंकि हमने उसी के ऊपर पार्टी के ऊपर बनाया हुआ था। उसने मार्का उठाया और उसने कहा जी टोटल जो बैग थे वो अभी इशू कितने कर रहे हैं हम। हमने कहा जी हम इसमें से 100 बैग इशू करवा रहे हैं, ठीक है, और कौन सी लोकेशन से उठा रहे हैं, हमने रूम 7 वाले उठाने हैं। रूम 7 से हमने उठा लिए, 100 बैग, 50 की फेयरिंग इतनी थी, पर बैग हमने कितना रेट इनसे चार्ज करना है हम वो रेट बता देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 150 या 250 हम एक बैग का चार्ज कर रहे हैं, तो 25,000 रुपया उसका बन गया। उस पर 16% 17% जितनी भी GST ऐड होनी है वो ऐड होगी, टोटल वैल्यू बन जाएगी उसकी, लेबर आ जाएगी कि पर बैग कितनी लेबर है, उतना लेबर बन जाएगा और ये सेव हो जाएगा। इसको हमने प्रिंट आउट किया, हमारी आउटवर्ड की यहाँ से इनवॉइस निकल आएगी पूरी डिटेल के साथ, टोटल अमाउंट हमारी कितनी बाकी है। ये हमारी थी अमाउंट जिस पे हमारा 17% GST लगा, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये टोटल हमारी इंक्लूडिंग GST ये होगी, और लेबर लग के इस पे ये हमारा बन गया टोटल 30,000 इतना। उसके बाद जब हम वापस आएंगे स्टोर के अंदर, हम अगर सिंगल मार्का वाइज देख लें या जिस तरीके से भी हम अपना स्टॉक देखेंगे तो वो हमें उसकी पूरी डिटेल देगा कि हमने ये जो पार्टी थी उसने कितने बैग थे, 200 बैग, जिसमें से इशू कितने हो गए 100, अब रिमेनिंग कितने रह गए हैं 100। तो इस तरीके से वो पूरी रिपोर्ट आएगी उसकी। अगर कस्टमर वाइज देखते हैं तब भी वो ऐसे ही दिखाएगा कि आए कितने थे, दे कितने दिए हैं। ये देखें हमारे पास 200 आए थे, 100 पहले, 100 उसके बाद हमने जो थे क्या नाम है 100 बैग माइनस कर दिए, यानी कि हमने वापस दे दिए, आउटवर्ड कर दिए हैं, और वो 100 बैग हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं। तो इस तरीके से हम अपने सारे यहाँ पे अब डेली आउटवर्ड की रिपोर्ट भी बन जाएगी कि जिस दिन में भी जो जो आउटवर्ड हुए हैं वो सारी यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी। अब मैंने ये 2016 से 22 तक की रिपोर्ट निकाली है, ये जितनी भी आउटवर्ड थी ये सारी आ गई हैं, 17 की, 18 की, 19 की, 20 की, और ये दिसंबर 20 की हमारी आ गई है इस पार्टी की, कि इसने 100 बैग यहाँ से आउटवर्ड करवाए हैं इस लोकेशन से। और एग्जैक्ट एक दिन का देखना है तो एग्जैक्ट उसकी डेट दे देंगे। उसके बाद हमारे पास अगर हम कोई सिंपल परचेजिंग करना चाहते हैं पोटैटो की, या सिंपल उसकी सेल करना चाहते हैं खरीद के बेचने के लिए, तो हम यहाँ पर पोटैटो परचेज करेंगे और हम सप्लायर अपना जो होगा उसका नेम दे देंगे, जैसे हुसैन हमने एक सप्लायर बनाया था, और यहाँ पर हम उसका आइटम का नेम बता देंगे जो भी है हमारा पोटैटो बना हुआ होगा, कितने बैग खरीद रहे हैं,
वो बैग बताएंगे, पर उसका जो बैग का रेट है हम वो बता देंगे। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी, उस पर एवरेज यानी कि रेंट कितना लग रहा है, उसका कमीशन कितना लगना है और उसके अदर एक्सपेंसेस कितने हैं वो बताएंगे, और ये उसका टोटल पेएबल बन जाएगा और ये हम सेव करवा देंगे। इसका अलग से हमारे पास स्टॉक आता जाएगा जो कि हमारे स्टॉक इन हैंड में आएगा। जैसे ये ब्लू पोटैटो हमने खरीदा है तो ये यहाँ पे हमारे पास उसकी टोटल क्वांटिटी आ गई। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम जब इसी को सेल करेंगे तो हमारे पास पोटैटो सेल इनवॉइस होगी। हम कस्टमर का नेम बताएंगे, जिस भी कस्टमर को हमने सेल करना है उसका नेम बता के हम ट्रेड सेल में जाके हम वही पोटैटो का नेम बताएंगे और कितने बैग सेल कर रहे हैं। अब क्योंकि ये 100 बैग हमारे पास पड़े हैं, हम यहाँ से 50 बैग सेल कर देते हैं। लिया हमने 800 का था, बेच हम 900 में रहे हैं और ये हमने 45,000 के उस पर 2% 3% जो भी कमीशन बनाएगा वो लगा के हमने इससे सेल कर दिया। इसके भी हम प्रिंटिंग यहाँ से ले लेंगे और ये हमारी सेल की रिपोर्ट बन जाएगी, उसकी इनवॉइस, और वो हमारे स्टॉक में से ऑटोमेटिकली उतने बैग कम हो जाएंगे जब हम इसको अपडेट करेंगे यूटिलिटी में रीइंडेक्सिंग करके। तो हमारे पास यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर रिपोर्ट्स बनती जाएंगी साथ साथ, और वही पार्टी के लेजर के अंदर भी हमारी रिपोर्ट्स बनती जाएंगी। जैसे अभी हम हुसैन से हमने परचेजिंग की थी तो ये हुसैन के लेजर के अंदर उसका ये बैलेंस आया होगा। और इसी तरीके से परचेजिंग की रिपोर्ट्स अलग आएंगी, डेली पोटैटो परचेज की, डेली पोटैटो सेल की और स्टोर की हमारी अलग रिपोर्ट्स आएंगी ये सारी। और इसके अलावा अगर कोई स्टोर के कोई स्पेयर्स वगैरह इन्वेंट्री के लिए हम अगर कोई खरीदते हैं या बेचते हैं या कंज्यूम करते हैं तो वो यहाँ से होंगे, परचेजिंग होगी उनकी, और उसके अलावा हमारी जो भी उसकी कंज्यूम होगा वो यहाँ से हम कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंज्यूम होती जाएगी और उसकी रिपोर्ट्स स्टोर स्पेयर रिपोर्ट्स के अंदर आएगी। जो कंजम्पशन है उसकी रिपोर्ट्स अलग आएंगी, परचेजिंग की रिपोर्ट्स अलग आएंगी। और इसके अलावा SMS होगा सेंड कस्टमर को, अगर पोर्टल के थ्रू सेंड करते हैं सिंपल SMS तो यहाँ से, और अगर व्हाट्सएप करना चाहेंगे तो हम व्हाट्सएप वाले मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यूटिलिटी के अंदर हमारे पास यहाँ पर बैकअप लगा हुआ है, हम एक क्लिक करके यहाँ पे बैकअप कर सकते हैं तो हमारा पूरा रिकॉर्ड बैकअप हो जाएगा। हमने जो आउटवर्ड की थी एक अपनी पार्टी की जमील की, उसकी हमारे पास यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई थी। यहाँ पर लेजर डिटेल के थ्रू हम उसका लेजर भी देख सकते हैं कि ये कौन सी पार्टी थी और कितने बैग हमारे पास उसके रह गए हैं, जितने दिए थे किस रेट में दिए थे, उस पर अदर एक्सपेंसेस वगैरह डाल के टोटल कमीशन डाल के कितने पैसे लेने वाले हैं, 30,250 उसकी तरफ खड़े हैं। उसकी रिकवरी हम एयर रिकॉर्ड में कैश रिसीव वाउचर में जाके यहाँ पर पार्टी का नेम देके उससे रिकवर कर लेंगे, जितनी भी अमाउंट हमें आएगी हम वो यहाँ पर बताएंगे और उसको रिसीव कर लेंगे। वो ऑटोमेटिकली हमारा जो रोकड़ होगा, हमारी कैश बुक होगी, उसके अंदर उसकी एंट्री होती जाएगी, और जो भी हमारे पेबल होंगे उनको हम पेमेंट वाउचर के थ्रू पेमेंट कर देंगे। अगर कैश से कर रहे हैं और अगर बैंक से कर रहे हैं तो DRCR वाउचर के थ्रू कर देंगे। इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।